हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मीठी बूंदी, वो भी बिना झारे के बनाएंगे। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसे हम अक्सर मंदिर के प्रसाद के रूप में यूज करते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे 1 कप बेसन, और बेसन को जब भी ले तो एक बार छान के ले। यहाँ पे बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है। और 1 कप पानी बेसन के लिए हमें चाहिए 2/3 कप पानी। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह विस्कर से हिलाते जाएंगे, और इसमें जो एक भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अगर विस्कर ना हो तो आप जो फोर्क वाले चम्मच होते हैं आप उससे भी इसे मिला सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो घोल तैयार हो चुका है, पर इसे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच इस तरह झारे में डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत धीरे और बहुत लेट में हमारा एक एक ड्रॉप जो है नीचे आ रहा। तो इसमें मैं फिर से थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो यहाँ हमारा जो है पूरा 2/3 कप पानी लग गया है, और इसे फिर से हम अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे। आप इसे जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही आपकी बूंदी जो है अच्छी बनेगी। तो इसे इसी तरह कंटिन्यू 5 से 6 मिनट ज़रूर मिक्स करें। तो यहाँ पे बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारा बूंदी के लिए बैटर तैयार हो चुका है। तो इसे हम ढक के रख देंगे, और पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ 1 कप बेसन के लिए 1 कप चीनी ले रही हूँ, और साथ में ही हम लेंगे 1 कप पानी। चीनी को घुलने तक हम अच्छे से पकाएंगे। और यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 इलायची, और इसे मैं बाद में इसे निकाल दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे गुलाब जल, केवड़ा जल कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चीनी हमारा घुल चुका है, और हमारा चाशनी भी बन के तैयार हो चुका है। तो इसे हम हाथ से चेक कर सकते हैं, ये हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए बस। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चाशनी बन के तैयार हो गया है। तो इसे अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ बैटर को एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तेल को यहाँ पे हमने अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है, और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। और कढ़ाई से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में ही हम अपना बूंदी झाड़ने वाला झारा को रखेंगे, और इस तरह डालेंगे जिससे हमारी बूंदी जो है गोल गोल बनेगी। अगर आपकी गैस की फ्लेम लो रहती है तो बैटर जो है नीचे जाके कढ़ाई में चिपक जाती है। तो एक बार में जितना हमारा कढ़ाई में आए उतना हम डाल देंगे। तो इसे आपने देखा, बिना बूंदी के झारे के भी आप घर से ही के सामानों से बहुत आराम से बना सकते हैं। और इसमें जब तक झाग पूरा अच्छे से ना ख़त्म हो हमें इसे तब तक ही पकाना है। जब झाग अच्छे से ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब हमारा बूंदी जो है बन के तैयार हो चुका है। इस तरह थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए इसे हम पका लेंगे। तो यहाँ पे बूंदी का जो है पूरा झाग खत्म हो चुका है। तो इसे हम गैस को अभी यहाँ पे कम कर देंगे, और इससे सारा बूंदी को निकाल लेंगे। और इसे हम निकाल के डायरेक्ट चाशनी में ही डाल देंगे। इसी तरह हम सारी बूंदी को निकालते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। और जब हम फिर से बूंदी बनाएंगे तो इसे हम एक बार क्लीन कर लेंगे। इसी तरह हम बूंदी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बूंदी को 2 बार ही अभी फ्राई की हूँ, और इसे मैं डायरेक्ट इस तरह चाशनी में डाल दी। तो इसे हम एक बार इस तरह मिक्स करते जाएंगे। जब हम एक बार बूंदी को डालेंगे तो फिर से एक बार इसे हम मिक्स करेंगे। इसी तरह हम सारे बूंदी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे बूंदियों को फ्राई कर लिया है, पर ये अभी तक जो चाशनी इसमें अब्जॉर्ब नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बूंदी अभी भी कड़क है।
तो हम इसी तरह इसे चाशनी में ही आधे घंटे के लिए रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं अब बहुत कम चाशनी इसमें बचा हुआ है, तो इसे हम चेक भी कर लेंगे कि चाशनी हमारी बूंदी के अंदर तक गई या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाशनी जो है बहुत अच्छे से बूंदी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब हम इसे एक स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे, नीचे एक प्लेट में रखी हूँ, इससे जो होगा सारा रस अच्छे से निकल जाएगा और हमारा बूंदी जो है खिला खिला बनेगा। इस तरह हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे और ये एक्स्ट्रा चाशनी को आप बाद में किसी भी मिठाई में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा बूंदी जो है बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरह घर में बूंदी ज़रूर बनाएं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।